आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप स्काइप आईडी को कैसे यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि आप स्काइप आईडी कैसे बनाएंगे, और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप स्काइप आईडी बना लिए हुए हैं, अगर आपको स्काइप आईडी यूज करने नहीं आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से स्काइप आईडी को यूज करना, इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। सोगाज मैं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्काइप आईडी बनाए हुए हैं, अगर आपको स्काइप आईडी यूज करना नहीं आता है, तो बहुत ही इजी तरीका से ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि आप अपना स्काइप आईडी पे फोटो कैसे लगाएंगे, ईमेल आईडी कैसे ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर कैसे ऐड करेंगे, किसी के साथ आप देख के कैसे बात कर सकते हैं, इसके बाद कॉल से कैसे बात कर सकते हैं, इसके बाद जो है अपना स्काइप आईडी का QR कोड कैसे डाउनलोड करके किसी को कैसे शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, और वो पर्सन जो है आपका QR कोड स्कैन करके बहुत ही इजी तरीके से आपसे कनेक्ट होके आपसे बात कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ डिटेल्स में बताया हूँ, तो ये वीडियो कुछ लंबा ज़रूर होगा, मगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से आप स्काइप आईडी को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बता रखा था जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताया था कि किस तरीके से आप स्काइप आईडी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से अगर आप स्काइप आईडी बना लेते हैं तो उसका आप यूज कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट भी आया हुआ था, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना ही देता हूँ। जो भी मेरे कमेंट किए हुए हैं, जो भी मेरे व्यूअर है, जो भी मेरे व्यूअर नहीं है, अगर उसको नहीं आता है तो बहुत ही इजी तरीके से ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्काइप आईडी को बहुत ही इजी तरीके से सेटिंग करके आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आप फ़ोन आएगा तो आप बात कर सकते हैं। अभी के टाइम में अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो बोलता है कि भैया आपको जो है कॉलिंग इंटरव्यू होगा और आपके पास स्काइप आईडी है या नहीं। अगर आपके पास स्काइप आईडी नहीं है तो मैं इस पे एक वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे कैसे आप स्काइप आईडी बनाएंगे। और स्काइप आईडी बना लेते हैं, अगर आपको स्काइप आईडी चलाना नहीं आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप स्काइप आईडी को इस्तेमाल करना, इसको यूज करना सीख जाएंगे। तो ये वीडियो को आप मिस नहीं कीजिए, कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे कि कैसे आईडी बनाते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आईडी कैसे बनाते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहां से आप सीख पाएंगे कि स्काइप पे कैसे आईडी बनाते हैं। और इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि आप जो है स्काइप आईडी बना लेते हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, तभी आप जो है सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप स्काइप पे आईडी बनाएंगे, और आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप स्काइप आईडी कैसे यूज करेंगे, यानी उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, स्काइप को आपको ओपन कर लेना है, और इस पे जो है आईडी मैं बना रखा हूँ, और मैं इस पे पहले से भी वीडियो बना रखा हूँ किस तरीके से आप स्काइप पे आईडी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पे स्काइप आईडी ओपन हो चुका है। आपको कहीं बात करना है, कॉलिंग बात करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आइकन बना हुआ है कैमरा का, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आप जो है चैटिंग मतलब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट कॉल का ऑप्शन आ चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करके आप किसी के साथ भी यहाँ से कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, और यहाँ स्टार्ट कॉल पे क्लिक यहाँ कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपका कॉल चल जाएगा, और इस उस इंसान से जिस इंसान से आप बात करना चाहते हैं वहाँ पे बात हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो इस तरीके से आपको बैक कर लेना है। इस तरीके से मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर बैक आ गया, तो यहाँ पर देखिए मीटिंग विथ इंजीनियर, तो यहाँ पर अब कोई नहीं था, तो इस तरीके से यहाँ बैक आ चुका है। यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर अपना कॉल का ऑप्शन आ चुका है,
चुका है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जिससे भी कॉल करना चाहते हैं, इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाता है आदमी, तो इतने सारे आदमी से आप यहाँ पर कॉल पर जाकर कॉल कर सकते हैं। अगर या आपको कॉन्टैक्ट में जाकर सर्च करना है तो यहाँ कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाता है। ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है जितने भी जो यहाँ पे अकाउंट बनाए रहेंगे वो सारे के सारे आपको इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इनवैलिड और जो भी होगा तो इसके नीचे यहाँ पे वैलिड का ऑप्शन आ जाएगा। या आपको सर्च करना है तो यहाँ पे देखिए आदमी का ऑप्शन आइकन बना था, यहाँ पे आप कोई भी पर्सन का नाम डाल के इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, तो वो आपके इसके नीचे आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए कि ऊपर घंटे का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन नया आएगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब यह है सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्रोफाइल को सेटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ईआर का ऑप्शन बन रखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से आप साइन आउट हो सकते हैं, यहाँ कैमरा का आइकन बन रखा है, तो आप जो है अपना फोटो इसमें एड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ कैमरा का आइकन बन रखा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गैलरी में से जाके आप जो भी फोटो आपको रखना है इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा फोटो आपको उसमें रखना है। तो इसमें आपको ढेर सारा जो भी फोटो होगा वो सारा का सारा आपका फोटो इसमें आ जाएगा। तो जो भी फोटो रखना है आपका फोटो को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, वो फोटो आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अगर वो फोटो नहीं रखना है तो इस तरीके से बैक आ जाएंगे और आपको गैलरी में से फिर से जाके इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ दूसरा फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से गैलरी में जाएंगे और जो भी फोटो आप रखना चाहते हैं इस तरीके से आप फोटो वाले पे क्लिक करके आप इसमें से फोटो ले सकते हैं, या इसमें अगर ये फोटो नहीं चाहते हैं तो सिंपली बैक आएंगे और जो भी फोटो आप रखना चाहते हैं वो फोटो को आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ये वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से मैं कोई एक फ़ोटो जो है ऐड कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फोटो आ चुका है, यहाँ राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो आ चुका है। सो इस तरीके से गया जो है अपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि स्काइप प्रोफाइल है, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना स्काइप प्रोफाइल जो है आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपका स्काइप प्रोफाइल है, यहाँ पे अपना नेम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्काइप नेम जो है इस पे क्लिक करके आपका स्काइप नेम आ जाता है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एडिट करके, बर्थडे आप चेंज कर सकते हैं, आप जो भी बर्थडे आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है बर्थडे जो है प्रोफाइल में जाके यहाँ से बर्थडे आप एड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बर्थडे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ नाम, यहाँ अबाउट, यहाँ जेंडर और बर्थडे का जो भी डेट है आपका इसमें इस कैलेंडर में से आपको बर्थडे आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम यहाँ से जो है कैंसिल कर लेते हैं। सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ, मैं एक बार और बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए स्काइप फ़ोन नंबर, यहाँ पे स्काइप नंबर और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका सेटिंग। तो सेटिंग वाले पे जाइएगा और यहाँ पे आपको पूरा सेटिंग मिल जाता है जहाँ से आप अपने स्काइप का सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका पूरा अकाउंट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए योर प्रोफाइल, योर अकाउंट वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो है अकाउंट यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ से जो है डिस्कवरी क्रेडिट पे जाके अपना जो है इसका सेटिंग कर सकते हैं, या सिंपली बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है योर प्रोफाइल, योर प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से भी आप जो है प्रोफाइल को सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपना नाम सेटिंग कर सकते हैं, अबाउट, जेंडर, बर्थडे और यहाँ पे आप जो है सेव चेंज कर दीजिएगा तो ये सेटिंग हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लोकेशन आपको सेटिंग कर लेना है, मतलब एड्रेस, स्टेट, इसके बाद कंट्री आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आपको कौन सा कंट्री। जैसे मैं इंडिया से, तो इस तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पर जो है इंडिया से चूज़ कर लूँगा। तो आप जो भी कंट्री से है आपको यहाँ पर अपना कंट्री को यहाँ पर चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए इंडिया है, मैं इस तरीके से चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सेव चेंज वाले पे क्लिक करके इसको सेव चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो है कॉन्टैक्ट आ जाता है, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाता है, या आप यहाँ दूसरा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा ईमेल भी रख सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, होम का फ़ोन जो आपका घर का फ़ोन है वो भी ऐड कर सकते हैं, ऑफिस का फ़ोन जो है ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर सेव चेंज वाले पर क्लिक करके आपको चेंज कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग पर जाके यहाँ पर अपना प्रोफाइल को भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो है इसको लोकेशन जो है आपको सेट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपना सिटी डालिए, जैसे मैं यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ दिल्ली, इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है। स्टेट डाल देना है, कौन सा स्टेट है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली।
इस तरीके से इंडिया या यहाँ सेव चेंज वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपका प्रोफाइल जो है यहाँ पे देखिए योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेट हो चुका है। सो इस तरीके से जो भी आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेंज करते रहिए और वो जो है आपको परफेक्टली तरीके से आपका जो है स्काइप आईडी में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से बैक आ जाइएगा यहाँ पे अपना जो है क्लोज योर अकाउंट, यहाँ से अपने अकाउंट को भी बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। अगर लोकेशन वगैरह जो मैं यहाँ पर दिल्ली डाला हूँ तो यहाँ पर देखिए लोकेशन यहाँ पर दिल्ली आ चुका है। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके अपना फिर से प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि पब्लिक और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओनली, तो पब्लिक मतलब वो होगी कि जो आपका प्रोफाइल है वो सारे दुनिया में जितने आदमी हैं सभी देख सकते हैं। अगर यहाँ आप कॉन्टैक्ट ओनली पे क्लिक करते हैं तो आप जिस भी पर्सन को कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड किए हुए हैं वही आपका प्रोफाइल पिक्चर देख पाएगा, बाकी कोई भी नहीं देख पाएगा। तो हम चाहते हैं कि सभी देखें तो यहाँ पर पब्लिक वाले पर क्लिक करके ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा देखिए इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर जो भी सेटिंग करना है आपको यहाँ पे अकाउंट यहाँ प्रोफाइल है इस पर जाके आप अपना जो भी सेटिंग करना है अपने अकाउंट में वो आप यहाँ से बहुत ही इजीली तरीक़े से अपने प्रोफाइल में स्काइप आईडी में वो सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेटिंग करना है मैं पहले बताया हूँ तो यहाँ से आप जो है वो सब सेटिंग कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ प्रोफाइल पिक्चर है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है तो सेटिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जनरल सेटिंग भी कर सकते हैं तो यहाँ लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं तो आप इसमें से आपको लैंग्वेज चूज कर लेना, जैसे हम यहाँ पे यही रहने देते हैं। सिंपली बैक आएंगे यहाँ पे जो है ट्रांसलेट सेटिंग भी कर सकते हैं कि आप कौन सा ट्रांसलेट में बात करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ मेल फीमेल का भी यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे यहाँ पर आपका जो प्राइवेसी का ऑप्शन है इस पर सेटिंग करके आप अपना यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहां से बैक आता हूं, यहां कॉल सेटिंग का ऑप्शन है, यहां से अपना कॉल जो भी सेटिंग कर सकते हैं। यहां पे कॉलर आईडी है, कॉल फॉरवर्ड भी यहां पे आप सेटिंग कर सकते हैं, किससे बात करना है किससे नहीं करना है। मीटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पर अपना मीटिंग भी सेटिंग कर सकते हैं, किससे बात करना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। इसके अलावा यहाँ कॉन्टैक्ट वाले जाकर यहाँ से कोई पर्सन को आप ब्लॉक कर सकते हैं। प्राइवेसी पर सेटिंग करके यहाँ पर आप जो है ऐड मोबाइल नंबर पर ऐड कर लीजिएगा तो वो आदमी को यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे आपका कॉल नहीं आ पाएगा। और व्यू लिस्ट पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर को जो है हम ब्लॉक किए हैं। इस तरीके से बैक आइएगा, बैक आने के बाद यहाँ पेंसिल का आइकन बन रखा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए न्यू मीटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है न्यू ग्रुप चैट भी यहाँ से आप बना सकते हैं, तो न्यू ग्रुप चैट भी आप यहाँ से क्रिएट कर लेना जो भी आप अपना कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यू कॉल का भी ऑप्शन है, यहाँ से न्यू कॉल कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपने जो जिसको भी कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं या एक बार में दो तीन पर्सन को भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आता है न्यू प्राइवेट कन्वर्सेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अपना कन्वर्सेशन भी ऐड कर सकते हैं। बैक आने के बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि आपके स्काइप आईडी पे आया जाए वार कोड को स्कैन करके तो आप अपना स्काइप आईडी का वार कोड उसको कैसे डाउनलोड करके देंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है पिक वाले पे जाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। वार कोड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मेरा नाम आ जाता है, पिक आ जाता है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि स्काइप प्रोफाइल है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके यहाँ प्रोफाइल आ जाता है और अपना जो है वार कोड QR जिसे बोला जाता है, QR कोड उसको ही वार कोड बोला जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं शेयर प्रोफाइल है, आपको शेयर प्रोफाइल वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पिक आ जाता है, यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, यहाँ पर देखिए कि QR कोड है, आपको QR कोड पर वाले पे क्लिक कर देना है, यह आपका जो है वार कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्कैन QR कोड है तो आप जो स्क्रीन शॉट इसको ले लीजिए और किसी भी पर्सन को सेंड कीजिएगा तो वो इसको जो है स्कैन करके आपको जो है स्काइप आईडी पे आ सकता है, या आप इसको जो है स्कैन भी कर सकते हैं। तो स्कैन QR कोड पे क्लिक करेंगे और ये आप जो है कुछ भी नीचे रख के बहुत ही ईजी तरीका से यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। कोई भी अगर पर्सन आपको वार कोड भेजता है तो यहाँ से जो है वार कोड को स्कैन करके उस पर्सन से आप डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं, कॉलिंग भी बात कर सकते हैं और देख के भी बात कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली बैक आया था, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको आप किसी भी पर्सन को भेजिएगा तो वो जो है ये वार कोड को स्कैन करके बहुत ही इजी तरीके से आपसे चैट कर सकता है। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, यहाँ मोर वाला ऑप्शन है, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है आपको और ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर व्हाट्सअप और बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी भी पर्सन के साथ यहाँ से शेयर कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और
क्लिक करने के बाद जो है आप किसी भी पर्सन को ये जो है अपना वार कोड यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको शेयर करता हूँ, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके से यहाँ पे शेयर कर दिया, जो ये पर्सन जो है मेरा वार कोड पर जाएगा और जो है स्कैन करके हमसे बहुत ही ईजी तरीके से वो बात कर सकता है। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से आप जो है स्काइप आईडी को बनाएंगे, और मैं इस पर पहले से वीडियो बना रखा हूँ, और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप स्काइप आईडी को यूज करेंगे, स्काइप आईडी को कैसे चलाएंगे, आप जो है स्काइप आईडी को कैसे सेटिंग करेंगे, प्रोफाइल कैसे सेटिंग करेंगे, नाम कैसे सेटिंग करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कैसे सेटिंग करेंगे, किसी से आपको अगर देख के बात करना है तो कैसे करेंगे, कॉल से बात करना है तो यहाँ कॉल वाला ऑप्शन है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि कैसे बात करना है, तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं और इससे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट वाले पर जाके यहाँ पर आपका पूरा कॉन्टैक्ट आ जाता है, यहाँ पर ऑल वाले पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ नीचे आपको पूरा कॉन्टैक्ट आ जाता है, जो भी स्काइप आईडी पर रहेगा वो सारे के सारे आपको इसके नीचे रहेगा। यहाँ पर देखिए कोई भी मेरे नहीं है तो यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है, अगर आपका रहेगा तो यहाँ पर वैलिड दिखाएगा। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से आप स्काइप आईडी बना के बहुत ही इजी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि अगर आप जो है स्काइप आईडी बनाए हुए हैं, अगर आपको स्काइप आईडी को इस्तेमाल करना नहीं आता है, ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि हमें स्काइप आईडी इस्तेमाल करना यूज करना नहीं आता है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ बता दिया हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से स्काइप आईडी को इस्तेमाल करना यूज करना सीख गए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।